इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। गुड मॉर्निंग सोने दो। हेलो, अरे सोने दीजिए ना। लगता है ये ऐसे नहीं उठने वाली, मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। क्या कर रहे जतिन आप? ये नए घर में नई सुबह मुबारक हो। हे भगवान, सुबह हो गई। जतिन, मेरी मम्मी ने कहा था ससुराल में ना अच्छा इंप्रेशन डालना, टाइम पर उठना, सबके लिए चाय बनाना, और देखिए ना मैं सोती रह गई, सब लेट हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे टेंशन मत लो, वैसे तो मम्मी जल्दी उठ जाती हैं, लेकिन 2-3 घंटे पूजा करती हैं, अभी वो पूजा कर ही रही होंगी। माँ जी, चाय लीजिए। दूधो नाओ पुतो फलो, चलेगा। मम्मी जी, चाय कैसी लगी आपको? अच्छी है, अदरक वाली। थैंक गॉड, मुझे ना बहुत डर लग रहा था, अब मुझे लगा पता नहीं आपको मेरे हाथ की चाय अच्छी लगेगी या नहीं। किचन में गई ना तो देखा अदरक ही नहीं था, और बिना अदरक के चाय तो अच्छी लगती नहीं है। किस्मत देखिए ना, उसी वक्त सब्जी वाला बाहर से गुजर रहा था तो मैं झट से गई और फट से अदरक लेकर आ गई। अब वैसे इस चाय के साथ ना नमकीन और बिस्किट बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपके लिए लाना ही भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ।
मम्मी जी कहाँ चली गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के बाहर जाके बिना नहाए मेरे लिए चाय बनाने की? साफ सफाई का कोई तरीका है कि नहीं? तरीका है कि नहीं? शांत हो जाओ नीता, अभी बहू को हमारे घर के तौर तरीके पता नहीं है। क्या शांत हो जाओ, घर के बाहर गई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ गंदा करके आई होगी, मेरा पूरा घर गंदा कर दिया। सफाई क्या नीता? अंदर चलो। नहीं, क्या किया तूने? अब चलो भी। आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें सब पहले ही बता देना चाहिए था। दरअसल माँ सफाई को लेकर कुछ ज्यादा ही सख्त है, उन्होंने हम सबके लिए कुछ नियम बना रखे हैं और हमें उन सबका पालन करना होता है। ये सारी बातें मम्मी जी मुझे प्यार से भी तो बता सकती थी ना? ऐसे I'm sorry जान, तुम रो मत, रो मत, मैं आज तुम्हें इस घर के सारे तौर तरीके बता देता हूँ, चलो मेरे साथ। वो पहले वाला शूरैक देख रही हो, वहां पे हम लोग बाहर से आए हुए जूते चप्पल उतारते हैं, और ये जो दूसरा शूरैक है यहाँ पे हम लोग सिर्फ घर के अंदर की चप्पल रखते हैं, और घर के अंदर की चप्पल कभी बाहर नहीं जाती, और अगर ये चप्पल बाहर गई तो माँ बहुत भड़कती है। और घर के अंदर एंटर होने से पहले यहाँ पे अच्छे से हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। ये देखो, ये जो खूंटी है ना, यहाँ पे टंगे हुए टॉवल से ही हम लोग अच्छे से हाथ पैर साफ करके फिर अंदर जाते हैं। इधर आओ। और जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो उसे हम इस सोफे पे बिठाते हैं, और मेहमान के जाने के बाद माँ सोफे को अच्छे से साफ कर देती है। आप सब लोग हर वक्त ये सब चीजें कैसे कर लेते हैं? हर वक्त नहीं, जब माँ सामने होती है। दरअसल मैं और पापा तो चुपके से बिना नहाए घर के अंदर भी चले जाते हैं, और जब माँ पूछती है तो बात घुमा देते हैं। और अब तो वैसे भी तुम भी हमारी टीम में हो, है ना? सच कहूं तो मैं मम्मी जी से झूठ नहीं बोलूंगी। वैसे भी मेरी माँ ने मुझे ये कहा था कि अपने ससुराल के सारे रीति रिवाज निभाना। मम्मी जी जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूंगी। नीता, ये भी कोई तरीका हुआ बहू से बात करने का? अरे वो लोग कल ही घर लौटे हैं और तुमने बहू को रुला दिया। मैं तुमसे जरूरी बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए ये सब जरूरी है? हाँ जरूरी है, मेरे घर में सारी चीजें सलीके से होनी चाहिए। मैं मेरे नियमों में जरा भी समाधान नहीं करूंगी। कैसे ही रख देते हैं, कोई तरीका? मम्मी, पूजा आपसे कुछ बात करना चाहती है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से सुबह सुबह आपका मूड ऑफ हो गया। मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। और देखिए ना, जैसे आपने कहा था मैंने दोबारा से नहा लिया है। देखा, इसे कहते हैं बहू। एक बात बताओ, मैंने हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना की थी कि मुझे तेरे जैसी बहू मिले, अब तो आ गई है ना? बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़े ही दिन में पूरे घर की जिम्मेदारी तुझे सौंप के और आराम करूंगी। माँ जी, मैं आपके विश्वास पे खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अब तू साफ हो गई ना, तो घर भी साफ कर दे, मुझे गंदगी थोड़ी भी पसंद नहीं है। मम्मी जी ने ना पूरा घर एकदम चमका के रखा है, उनकी उम्मीदों में खरा उतर पाना मुश्किल है, लेकिन मैं भी ना पूरी कोशिश करूंगी। अब जा पूजा। Thank you.
सफाई हो गई क्या? मम्मी जी देखिए ना, मैंने पूरा हॉल साफ कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सफाई करती हैं। देखते हैं। बिल्कुल साफ है। अरे वाह, कमाल कर दी। सिलवट भी नहीं है। ये क्या है? तुम्हें सफाई भी नहीं आती? मम्मी जी मैं अभी सफाई कर देती हूँ। ये लड़की, ऐसी सफाई की है तूने? हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है? अब बाकी सब साफ कौन करेगा? तुम्हारा बाप? क्या घूर रही है लड़की? इतनी हिम्मत? अरे क्या हुआ, बहू रोते हुए बाहर क्यों चली गई? तुमने कुछ कहा क्या? तुम दीना, बहू तुम्हें इस तरह घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। अरे पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे? सॉरी पापा जी। मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सास की तरह खड़ूस नहीं हूँ। वो गुस्से में कुछ भी बोलती रहती है, उसका अपनी जुबान पर कंट्रोल ही कहाँ है। जी पापा जी। अरे जी पापा जी, पापा जी क्या लगा रखा है? क्या ससुर और बहू दोस्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकते हैं। तो फिर सॉरी पूजा, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से चाय का कप फिसल गया। फिसल गया? हाँ। या फिर जानबूझ के गिराया आपने? कैसी बातें कर रही हूँ, मैं क्यों जानबूझ के तुम्हें जलाऊंगी? और शर्म नहीं आती झूठ बोलने से? शर्म आपको आनी चाहिए कुछ भी बोलने में। पूजा। अब देख, ये तुम कैसे बदतमीजी कर रही हो मम्मी से? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे बदतमीजी कर रही हो? हाँ देखना कैसे उल्टे जवाब दे रही है, कैसा इल्जाम लगा रही है, कह रही है कि मैंने जानबूझ के उसे जला दिया। अरे भला मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? पूजा मम्मी से माफी मांगो अभी। हाँ। माफी मांगो अभी पूजा। देख देख कितना इतरा रही है, और कनकी देख क्या हाल कर दिया है मेरे किचन का। मम्मी आप इसके मुंह मत लगिए। हाँ? चलिए मेरे साथ। हाँ। चलिए गंदी कहीं की।
बहुत नाच लिया मम्मी जी अब आपके इशारों पर। ये मेरा भी घर है और मैं वो करूंगी जो मेरा मन चाहेगा। सतीन ये क्या बात हुई? आज जो तुमने मम्मी के साथ बदतमीजी की है ना वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया? जतिन, जतिन मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं तुम्हारी? हाँ, तुम मेरी बात सुनो। माना कि मेरी मम्मी थोड़ी गुस्से वाली है, लेकिन वो ऐसी गलत हरकत कभी नहीं कर सकती। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर कभी लाइफ में मुझे तुम में और मम्मी में से किसी एक को चुनना पड़ा ना, तो मैं हमेशा मम्मी को चुनूंगा। कहाँ जा रहे हो? मैं बताना भूल गया, कुछ दिनों तक मेरी नाइट शिफ्ट है, ऑफिस जा रहा हूँ। अभी ऑफिस जाना जरूरी है? आप घर से भी तो काम कर सकते हैं ना। ऑफिस में फोन कर दीजिए, घर पे काम है। अब सुनिए तो, अच्छा टिफिन लेके जाइए, मैं अभी लाई। सुनिए टिफिन। ये तो बहू के रोने की आवाज है। ये सब क्या है? पूरा घर गंदा करके रखा है। सफाई क्यों नहीं की पूजा ने? पूजा, पूजा, पूजा! क्या हुआ मम्मी जी? तूने आज घर की सफाई क्यों नहीं की? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सफाई नहीं कर सकती। तो तू चाहे जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे घर साफ चाहिए। मतलब चाहिए अभी के अभी जा और घर की सफाई कर। पूजा घर की सफाई नहीं करेगी। अगर तुम्हें घर की सफाई की इतनी पड़ी है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? मैं जानती हूँ क्यों इस लड़की की तुम तरफदारी करते हो। क्या मतलब? मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में इस लड़की के लिए क्या है, वो सब मैंने देखा है। मैं अंधी नहीं हूँ। बदतमीज औरत! पापा सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तुम बताओ नाइट शिफ्ट कैसी चल रही है तुम्हारी? कुछ नहीं पापा, बस बुरा हाल। गर्मा गर्म जलेबी तैयार।
इसे क्या हुआ? क्या हुआ बहू? एक्चुअली बात यह है कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अरे बहू, तुमने तो दिल खुश कर दिया। सच? अरे इस बात पर तो मुंह मीठा होना चाहिए। लो बेटा। मम्मी को क्या हुआ? मैं देख कर आता हूं। क्या बात है मम्मी, आप दादी बनने वाली हैं ये सुनकर खुशी नहीं आपको? कुछ दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ पर हिम्मत नहीं हो रही। क्या बात है मम्मी, कहिए ना। मम्मी, क्या बात है मम्मी? ये बात कहते हुए भी मुझे घिन आ रही है। पूजा के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है, वो बच्चा तुम्हारे पापा का है। नहीं मम्मी, अगर भगवान भी आकर कहेंगे ना कि पापा और पूजा में कोई गलत रिश्ता है तो मैं उनका भी यकीन नहीं करूंगा। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ। तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खा के कहती हूँ, पूजा की पेट में तुम्हारे पापा का बच्चा है। अगर ऐसी बात है ना मम्मी तो मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा। अरे बहू जल्दी चलो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगा। अभी आई। अब इंस्पायर कैमरों की मदद से मैं पूजा और पापा को रंगे हाथ पकड़ूंगा। हाँ मम्मी बोलिए। जतिन, तेरे पापा अभी अभी पूजा के कमरे में गए हैं और देख लेना कल सुबह ही तुम्हें सारा सबूत मिल जाएगा। इस पेन ड्राइव में सारे स्पाइक कैमरों की रिकॉर्डिंग है, आज सारा सच मेरे सामने आ जाएगा।
क्या बात है जतिन? पूजा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मैंने तुम्हारे चरित्र पर शक किया, मुझे लगा पापा और तुम्हारे तुम्हारे बीच में गलत रिश्ते हैं। मेरे बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? ये बात मुझे मम्मी ने बताई थी, और उसके बाद मैंने अपने बेडरूम में स्पाई कैमरे लगा दिए तुम पर नजर रखने के लिए। लेकिन जब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी आंखें खुल गई। मम्मी जी मेरे बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हैं? नीता किसी भी हद तक गिर सकती है। अब नीता की कोई भी बात मुझे चौंकाती नहीं है, बहुत ही छोटी सोच की इंसान है। उसका ये गुस्सा, साफ सफाई की सनक समय के साथ साथ बढ़ती ही चली जा रही है। अब वैसे मैंने मम्मी जी की आदतों के बारे में अपनी फ्रेंड रिद्धि से बात की थी, वो एक मनोचिकित्सक है। जब मैंने मम्मी जी की आदतों के बारे में उसे बताया तो उसे बताया कि ये खास तरह की मानसिक बीमारी के लक्षण है और हमें मम्मी जी को डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है बेटा, उसकी इन आदतों की वजह से मैंने कई बार कोशिश की उसको डॉक्टर के पास ले जाने की, लेकिन वो भड़क जाती है। वो सोचती है कि मैं उसको पागल साबित करना चाहता हूँ। एक तरीका है, क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड रिद्धि को यहाँ बुला लूँ, उससे वो मम्मी जी से भी मिल लेगी और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें बता देगी। ठीक है। 78 अंगों, 206 हड्डियां, अनगिनत धमनियों और कोशिकाओं से बनी इंसानी शरीर कुदरत का सबसे नायाब करिश्मा होता है। इंसान के शरीर में अगर कोई अद्भुत अंग है वो है इंसानी दिमाग। ये दिमाग ही तो है जो हमारे शरीर को संचालित करता है। इस दिमाग का इस्तेमाल करके गुफाओं में रहने वाले आदि मानव के वंशज यानी कि आप और हम आज अंतरिक्ष में इंसानी बस्ती बसाने का इरादा कर रहे हैं। लेकिन विलक्षण क्षमताओं वाला इंसानी दिमाग अगर हमारा अच्छा दोस्त है तो अगर हम उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा दुश्मन भी बन सकता है। नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद्रन और आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे इंसानी दिमाग का असंतुलन कभी कभी एक हंसते खेलते और खुशहाल परिवार को जुर्म और पछतावे के अंधी खाई में ढकेल सकता है। आइए देखते हैं। नमस्ते आंटी, मेरा नाम रिद्धि है, मैं पूजा की फ्रेंड हूँ। पूजा बाहर गई है जतिन के साथ, वो जब आएगी तब आ जाए। आंटी क्या मैं थोड़ी देर अंदर आके बैठ सकती हूँ? मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत दूर से आई हूँ। हाँ पर रुको, आंटी माननी पड़ेगी आपकी एक बात, आपने अपने घर को इतना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है। हाँ क्या है ना, मुझे गंदगी पसंद ही नहीं। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरा घर एकदम साफ सुथरा हो, चमकता हो। तुम्हारी सहेली है ना, सिर्फ झाड़ू कटका करती, उसके बाद मेरे को घर का कोना कोना चेक करना पड़ता है और फिर मैं अपने हाथों से घिस घिस के एकदम साफ सुथरा कर देती हूँ, शीशे की तरह चमका देती हूँ। क्या है ना, मुझे गंदगी जरा भी पसंद नहीं है। अब बाय द वे तुम्हारा नाम क्या बताया? जी रिद्धि। मैंने आंटी के साथ काफी समय बिताया, मैं एक दिमागी परेशानी हूँ।
OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो फिर अब क्या होगा, क्या करें हम लोग? आप लोग घबराइए मत, OCD का इलाज मुमकिन है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दूंगी, तुम आंटी जी को दे दो। मम्मी जी आपकी दवाई। मम्मी जी ये दवाइयाँ ले लीजिए। किस बात की दवाई? नहीं लेनी। वो जतिन गए थे ना डॉक्टर के पास, उन्होंने ये दवाइयाँ लिख के दी है। प्लीज ये दवाइयाँ ले लीजिए, आपका BP बढ़ गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं दवाई नहीं लूंगी, हट। मम्मी जी जिद मत कीजिए, दवाइयाँ ले लीजिए। नहीं लेनी मुझे कोई दवाई, मुझे कुछ नहीं हुआ और तेरे हाथ से तो दवाई मैं नहीं लूंगी। पता नहीं क्या मिला दिया होगा। नहीं लेनी दवाई। जा, आखिरी बार कह रही हूँ चुपचाप से दवाई ले लीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं दवाई नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। क्या क्या बात है? देख तेरी पत्नी पता नहीं कौन सी दवाई खिला रही है मुझे, और उसके हाथ से कुछ तो मिला दिया होगा। मम्मी ये दवाइयाँ मैं लाया हूँ, प्लीज खा लीजिए। नहीं, इसके हक की दवाई मैं कभी नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी मैं दवाई, नहीं। ठीक है, अब मेरे हाथ से खा लीजिए। मम्मी बैठ जाइए वहां पे। आई एम सॉरी पूजा, मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ जिसकी तुम हकदार हो। कैसी बात कर रहे हो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। नहीं बहू, जब से तुम इस घर में आई हो नीता ने तुम्हें चैन से बैठने कहाँ दिया है, जबकि इस हालत में तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। पापा जी, किस परिवार में छोटी मोटी खिटपिट नहीं होती रहती है, ये सब तो चलता रहता है, इसी का नाम तो जिंदगी है। लेकिन जिंदगी की इस दौड़ भाग में मैं अपनी इस पूजा को खो रहा हूँ जो हर चीज में खुशियाँ ढूंढती थी। पापा क्यों ना हम पूजा को खुशी देने का एक मौका ढूंढे? मतलब नए मेहमान की आने की खुशी में हम घर में एक पार्टी रखते हैं। पर मम्मी जी के रहते हुए ये कैसे हो सकता है? मम्मी जी को तो बाहर के लोगों का घर में आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर पार्टी कैसे होगी? अरे इसका इलाज है मेरे पास, मैं नीता को 2-3 दिन के लिए उसके भाई के घर भेज देता हूँ, फिर हम धूमधाम से गोद भराई मनाएंगे। दैट्स अ गुड आइडिया पापा, हम ऐसे ही करेंगे। मानसिक परेशानियों से उभरने के लिए बहुत जरूरी है कि हम खुद के प्रति ईमानदार रहें। अगर कोई हमारा परिजन या हमारा शुभचिंतक हमारे बदले हुए स्वभाव के बारे में हमें आगाह करता है तो हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपने विचारों पर काम करना चाहिए। इन सारी परेशानियों से उभरने के लिए सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास ही काफी नहीं है, बल्कि पूरे परिवार का एकजुट होना भी बहुत जरूरी है। परिवार के प्यार, समर्पण और धैर्य के साथ साथ विशेषज्ञों की सलाह का पालन करना चाहिए ताकि इन परेशानियों से हम उभर सकें। क्या नीता के साथ इन बातों का पालन हो रहा था? क्या नीता के परिवार के प्रयास पर्याप्त थे? रुको रुको, कितने पैसे हुए? 200।
मेरा पूरा घर गंदा कर दिया, इसकी जिम्मेदार तुम हो। अब एक ही तरीका बचा है। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? तूने सब बर्बाद कर दिया, मेरा घर, मेरा संसार, मेरे पति के साथ तू। छी, अब तुझे जाना होगा। हाँ, ये क्या पागलपन है नीता? तुम तो चुप ही रहो। तुमने और इस औरत ने मिलके मेरा परिवार, मेरा संसार बिगाड़ दिया है, पर अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। आज मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि इस औरत के पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। शांत हो जाओ नीता। मम्मी, क्या कर रही हैं आप? डॉक्टर, तू छोड़। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, नहीं छोड़ूंगी आज मैं उसे। अभी क्या कर रही है? मैं इस लड़की को जिंदा नहीं रहने दूंगी, उसने मेरा घर गंदा किया है। तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, ये अपने आसपास के लोगों के लिए खतरा साबित हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? लखनऊ में एक अच्छा अस्पताल है, आप इन्हें वहाँ भर्ती करवा दीजिए। पापा, हम लोग चलकर एक बार हॉस्पिटल देख कर आते हैं। ठीक है बेटा। पूजा, जब तक हम लोग वापस नहीं आते तुम्हें मम्मी का ध्यान रखना होगा। नहीं जतिन, मैं मम्मी जी के साथ अकेली नहीं रह सकती, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। तुम्हें पता है, अब तो मुझे उनकी बातें भी चुभने लगी हैं। देखा ना आज क्या किया उन्होंने मेरे साथ, मेरी इज्जत सबके सामने तार तार कर दी। नहीं बेटा, बस दो तीन दिन की तो बात है, तब तक तुम नीता को टाइम पर दवाई देती रहना और उसका ख्याल रखना। ठीक है पापा जी। हेलो पूजा, हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं। ठीक है जतिन। और मम्मी कैसी हैं? आप लोग जब से गए हो ना, मम्मी ने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की है, बहुत गुस्सा है वो मुझसे। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी वो सो रही हैं। कोई बात नहीं पूजा, तुम हिम्मत रखो, हम कल शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है, बाय। अभी अभी खबर आई है कि देश भर में कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इस लॉकडाउन के समय काल में रेलवे सेवा, वायु सेवा, सारी सेवाएं बंद कर दी गई है, जो जहां है वहीं सुरक्षित है। हेलो जतिन, तुमने न्यूज सुनी? हाँ पूजा, मैंने न्यूज में देखा लॉकडाउन के बारे में। पूजा, हम लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, तुम मम्मी का ख्याल रखना, उन्हें अकेला छोड़कर कहीं मत जाना, और हाँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है। सब्जी भी नहीं है, बनाऊं क्या? सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। मम्मी जी, आप जाग गए? कर लिया ना कब्जा? मुझे पागल साबित करके मेरे घर पे कब्जा कर लिया ना तूने? मम्मी जी, अभी ना मुझे वापस से ये सारी बातें नहीं करनी है, हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, प्लीज। कैसे होगी, कैसे होगी तेरे में हिम्मत? क्योंकि मेरे पूरे घर पे तूने अपना राजपाट चला लिया है ना, पर याद रख, तू किसी के लायक नहीं है। अरे गंदी औरत,
बाहर से घर में आई, हाथ तक नहीं धोया। चल आज तो तुझे हमेशा के लिए नहला देती हूँ। तेरे बदन की जो बदबू है ना, अब मुझसे सहन नहीं होती, क्योंकि ये बदबू सिर्फ तुम्हारे बदन की नहीं, तुम्हारे जमीर की भी है। बस फालतू बकवास मत करिए मम्मी, वरना मुझे नहीं पता कि मैं गुस्से में आ गई ना तो फिर मैं क्या करूंगी। क्या करेगी हम, कर भी कह सकती है, जाके अपने पति से फरियाद करेगी? अरे ना, ऐसा मत करना, जाके अपने वो यार से फरियाद कर, वो यार जो रिश्ते में तुम्हारा ससुर लगता है, मेरा पति, और जिसका बच्चा तुम्हारी कोख में पल रहा है। सी, शर्म कर लड़की, तुझे तो ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हेलो पुलिस, इंसान का दिमाग शरीर के किसी और अंग की तरह तनाव महसूस कर सकता है, इसीलिए इन परेशानियों का हल संभव है। बहुत जरूरी है कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी हम जागरूक बने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद लें। अपनी सास की हत्या के जुर्म में पूजा को गिरफ्तार किया गया है और अब पूजा पर कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। ये बेहद जरूरी है कि आज के तनाव और भागदौड़ की जिंदगी के बावजूद एक स्वस्थ जीवन शैली हम अपनाएं। ये भी बेहद जरूरी है कि शरीर के साथ साथ आप अपने दिमाग को भी तनाव मुक्त करें। अगर ऐसी कोई भी बात हो जो आपके मन में अति होने लगे तो आप खुलकर अपने परिजनों के साथ बात कर सकते हैं या फिर आप एक्सपर्ट्स की सलाह भी ले सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी खुशियों को अपनों के साथ महसूस करें, क्योंकि खुशी रुपए पैसे या बाहरी आडंबर में नहीं, हमारे अंदर होती है, क्योंकि खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, अगले एपिसोड में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सेफ रहे, अलर्ट रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।